पहली मत होती हो ए आना दूजी दसी तान होते हो लगाना तेजी दसी अन्न होते आप उडाए जिस गुर सिख जिस जीव के लक्षण आए कहते को ऐसा भगत सदाए उन्होंने भगत कह लो ब्रह्म ज्ञानी कह लो संत कह लो चंगा मनुख कह लो गुरमुख कह लो हूँ अज के कीर्तन उपदेश होगी की गल भले बन के रह जाए मेरा तिना चो कोई एक अद्धी गल जीवन च धारण करने की कोशिश करिए फिर तो गोल्डन साहब की शहादत बनाई सफरी है गुरु बख्शिश करे मैं बहुत बार बेनती करता ना सिखी एक प्रैक्टिकल मार्ग है कोई बुक्स नॉलेज नहीं भी किसी ने चार किताबा वध लिख लिया या पढ़ ली गल तो भी तुम उत्ते अमल किन्ना हमें है ही बड़ी एडी सूक्ष्म बारी मैं दस भी तक छोटी छोटी गल् ने अपनी लाइफ इदा होंगे है असं चलो कीर्तन कथा करते सू कई बार जाना पैदा जी नवा घर बनाया भाई साहब आओ मुहूर्त आओ तो हर बंदे को चा हों भी घर दिखाया जाए आ जी मेरा मास्टर बैडरूम है जी आ मेरा जी लिविंग रूम है जी किचन बनाई है जी इधर एक छोटा जहा कमरा बनाया जी साडा पातशाह कमरा रखे इतने असं बह के जी बाणी पढ़ते तो फिर कई बार देख लो मेरे सिख मिलते भाई साहब जो असं इस कमरे चाहते हैं ना उदो फिर मैं किसी अंदर नहीं आऊंगा मैं तो बहुत पढ़ लिया भी सजना नहीं इतने तू गल जो इस कमरे जाना ना तो बच्चों ने नोट जरूर नाल लैके जाएगा एक मैं थोड़ा जा स्टाइल बदलना लफजा का हेर फेर रहना तेरा मकान ही है ये मैं तेरी होमे झलकती है भी साडा घर है तो आ मेरा बैडरूम आ बच्चे का बैडरूम आ लिविंग रूम है तो आ पातशाह कमरा दिता भी घर अभी ना देंगे पातशाह पता नहीं कितने रेंट पर रहना सी महाराज जी यही नाम खा देंगे मैं लफजा का हेरा पर बस यही गल कह लिया कह रहे भी पातशाह ने इन्ना सुंदर सानू घर बख्शिश किया उन्होंने एक रूम अपने को रख के चार सानू दते हुए मैं रहना तेरा घर ही है पर गल कर ढंग है बस उस तेरी होमे नहीं नजर आएगी दूजे तरह तेरी होमे नजर बस लाइफ स्टाइल ही बदलना एडजस्टमेंट ही करनी होंगी लाइफ में सब कुछ वो ही रहना बस समझो गुरुद्वारे वाले आने वाले का कोई शरीर होर तरह का हो जाता इदा ही रहना सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल बदलना गुरु बख्शी करे समा हो चले शब्द आप गाय कर रहे क्योंकि समय की सीमा होंगी है पर दासरा की जरूर कोशिश होती जिंदा भाषा सब इतिहास जोड़ रहे मेरा चलो प्रैक्टिकल जो कुछ नुकते जीवन क्योंकि